पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावे पर उठे विवाद को फिर से हवा दे दी। कुरैशी ने रविवार को कहा कि इस मामले पर मध्यस्थता की पहल भारत ने की है। हालांकि भारत सरकार ट्रंप के दावे को पूरी तरह नकार चुकी है। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री ने निजी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी दौरे पर राष्ट्रपति ट्रंप को यह एहसास दिलाया कि कश्मीर एक अहम मुद्दा है, इसे सुलझाया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप का रुख पाकिस्तान की उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। इससे पहले 23 जुलाई को राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि मोदी 2 हफ्ते पहले उनके साथ थे और उन्होंने कश्मीर मामले पर मध्यस्थता की पेशकश की थी। अमेरिका कश्मीर मुद्दे का हल निकालने के लिए तैयार, इस पर अमेरिकी राज्य विभाग ने कहा था कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है, भारत पाक को बातचीत कर हल निकालना चाहिए। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों में ब्यूरो के कार्यवाहक सहायक सचिव एलिस वेल्स ने एक ट्वीट में कहा था कि ट्रंप प्रशासन दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दे का हल निकालने के लिए तैयार है। ट्रंप का दावा गलत, राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद भारत में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी से लोकसभा में स्पष्टीकरण मांगा था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर ट्रंप के दावे को गलत बताया था। सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई, भारत अपने निर्णय पर कायम है। एस जयशंकर ने कहा किसी तीसरे का हस्तक्षेप मंजूर नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संसद में साफ किया था कि कश्मीर मसले पर किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी संभव होगी जब सीमा पार से आतंकी हरकतें बंद हो जाएगी। शिमला समझौता और लाहौर घोषणा से ही भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों को सुलझाया जा सकता है।